मॉर्निंग। अब हम जा रहे हैं बात करने अपना नया टॉपिक जो कि है कौन सा, वो है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में थोड़ा सा बात किए थे, हल्की सी उसकी झलक देखे थे। आइए एक बार उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बोलता है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में जानिए, बताया था, एक बार रिवीजन करते हैं। एक कंपनी है, उसमें मैं काम करता हूँ और उस कंपनी के अंदर मेरा 20% या 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है, ठीक है ना। और उस कंपनी से कोई भी इनकम जो हो रही हो मुझे हो ही रही है, सैलरी आ रहा है, रेमुनरेशन जो भी हो, ठीक है ना, कमीशन वगैरह। लेकिन उस कंपनी से मेरे वाइफ को भी इनकम आ रहा है एज सैलरी रेमुनरेशन कमीशन एटसेट्रा, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में होगा जैसे मान लीजिए कोई सैलरी रेमुनरेशन कमीशन मिल रहा है मेरी वाइफ को, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी कमीशन तो उसको मिल रहा है, लेकिन जो इनकम उसको होगा वो क्लब कर दिया जाएगा मेरे इनकम में, मेरा इनकम मान लिया जाएगा और टैक्सेबल मेरे हैंड में हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। और अब इसका अब आपके दिमाग में एक ख्याल उठ रहा होगा कि मान लीजिए वाइफ पढ़ी लिखी है या फिर कोई टेक्निकल उसको डिप्लोमा वगैरह कर रखी है, तो ऐसे केस में क्या होगा। ये सब जो हमने बताया, अभी तक वाइफ अनपढ़ थी, गाय के गोबर उठाती थी, ये सब मान के किए हैं और उसको सैलरी मिलती थी बिना कुछ किए, तो इस केस में मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता था। अब अगला टॉपिक है सैलरी, मतलब वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी है, टेक्निकल है या फिर कुछ डिप्लोमा वगैरह कर रखी है, या फिर मान लीजिए वो भी CA CA CM में कुछ भी है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा। इस केस में ये होता है एक्सेप्शन, यहाँ पे आया एक्सेप्शन कि मान लीजिए वाइफ पढ़ी लिखी है और वो पैसे तब अर्न करी और सेम कंपनी में वो भी काम कर रही है, तो ऐसे केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या, अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, कोई डिप्लोमा या फिर कोई कुछ भी कर रखी है और टेक्निकल है, तो ऐसे केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको कंफर्म हो गया होगा, एक बार रिवीजन करते हैं क्या था। मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है ना, और पढ़े लिखे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जया बच्चन जी अनपढ़ हैं, गांव से आई हैं। ऐसा नहीं गांव के बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं, जस्ट एग्जांपल, गांव से आए हैं और वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको कंपनी की तरफ से पैसे मिल रहे हैं एज ए रेम्यूनरेशन या सैलरी, रेम्यूनरेशन इनकम हो गया कुछ भी, ठीक है ना, उनको कुछ इनकम मिल रहा है उस कंपनी से जिसमें अमिताभ बच्चन जी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। उस केस में जिसमें अमिताभ बच्चन जी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उससे अगर जय बच्चन जी को सैलरी रेम्यूनरेशन इनकम कुछ भी बोनस वगैरह मिल रहा है, कमीशन वगैरह, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, अमिताभ बच्चन जी के हाथ में। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं पढ़े लिखे में, अभिषेक बच्चन जी के पास जाते हैं। मान लीजिए अभिषेक बच्चन जी काम कर रहे हैं ABC लिमिटेड में, ठीक है ना, और वहाँ पे उनकी होल्डिंग है 20% या 20% से ज़्यादा, 20% या 20% से ज़्यादा। अब क्या, अभिषेक बच्चन जी एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें उनकी होल्डिंग 20% या 20% से ज़्यादा की है, तो और उस कंपनी से ऐश्वर्या राय जी को कुछ पैसे वगैरह मिल रहे हैं, ऐश्वर्या राय जी को भी कुछ पैसे मिल रहे हैं एज ए सैलरी, और ऐश्वर्या राय पढ़ी लिखी है, मान लीजिए वो इंजीनियरिंग कर रखी है, नहीं आई अपने फील्ड में, मान लीजिए वो भी CA कर रखी है ऐश्वर्या राय जी, ठीक है ना। अभिषेक बच्चन जी काम कर रहे हैं ABC लिमिटेड में, उसमें उसका उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है
और ऐश्वर्या राय बच्चन जी सेम उसी कंपनी में काम कर रही हैं जिसमें अभिषेक बच्चन जी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और ऐसे केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो ऐसे केस में, और ऐश्वर्या राय जी सीए हैं मतलब पढ़ी लिखी हैं और वो अपने दम पे पैसे कमाना जानती हैं और वो अपने दम पे पैसे कमा रही हैं, तो ऐसे केस में ऐश्वर्या राय बच्चन जी अभिषेक बच्चन जी को बोलेंगे आप अपना इनकम अलग रखिए, हम अपना इनकम अलग रखेंगे, हमारा इनकम आप में क्लब नहीं होगा क्योंकि आप जितने पढ़े लिखे हैं हम भी उतना पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसे प्रोविजन में, ऐसे केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों को सेम सैलरी, दोनों को सेम कंपनी से सैलरी मिल रही है, तो ऐसे केसों में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।